सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रैंड आरपी गेम प्ले सीरीज। एंड ये आप लीजीज लाइव पे वीडियो देख रहे हो जहाँ पे मैं ग्रैंड आरपी की गेम प्ले सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला एपिसोड है, सो बेसिकली बिगनर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं जो जिस अकाउंट में रेगुलरली खेलता हूँ, जिसमें लाइव स्ट्रीम करता हूँ, जिसमें काफी सारे पैसे भी है, मैं उससे नहीं स्टार्ट करने वाला। मैं बिल्कुल एक प्योर नया अकाउंट बना रहा हूँ स्क्रैच से। एंड अगर आपको भी बनाना है तो सिंपल है भाई, बस जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ पे जाकर क्लिक करो। अगर उस लिंक के थ्रू जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। वैसे तो फ्री है रजिस्टर करना, लेकिन रजिस्टर करते टाइम सर्वर 2 सेलेक्ट करना। सर्वर 1 में पहले से ही बहुत ज्यादा भसड़ है और वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी है चीजों को, चाहे गाड़ी हो, घर हो, कोई भी चीज हो, बिजनेस हो, बहुत महंगी महंगी है। लेकिन सर्वर 2 में चीजें सस्ती हैं बट सैलरी सेम है, तो मतलब आपको कम पैसे में ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। इसलिए मैं तो सर्वर 2 में मैंने अकाउंट बनाया, रजिस्टर करते टाइम चूज करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। और इसमें चूज योर जेंडर, तो मैं मेल सेलेक्ट करने वाला हूँ। एंड इसमें मैंने अपना नाम, मैं भी आपको बताता हूँ मैंने क्या रखा है। तो सबसे पहले तो आप अपने फादर मदर वगैरह चूज कर सकते हो। मैं तो वैसे रैंडम कर देता हूँ, ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। हाँ ये भी सही है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर लेके चलना चाहिए। एंड मैं आ गया हूँ अपने होटल रूम में। सो बेसिकली ये होटल रूम है जहाँ पे सबसे पहले अगर अपने अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे आते हो और यहाँ से अपन एग्जिट करते हैं। और मैं बता रहा था आपको नाम, सो बेसिकली मैंने इस पे अपना नाम रखा है गणेशा गायतोंडे। मैं गणेश गायतोंडे रखना चाहता था, मेरा फेवरेट गैंगस्टर है अपनी बॉलीवुड सिनेमा में से, तो इसलिए गणेश गायतोंडे मैं सोच रहा था भाई, लेकिन मिला ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो सेकेंड फेवरेट गुड्डू भैया, नहीं मिला। थर्ड फेवरेट कालीन भैया, वो भी नहीं मिले। तो फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है यार, अब जाके जो है गणेशा रख देता हूँ। गणेशा मेरे को मिल गया बाय चांस, गणेशा गायतोंडे। जैसे दो लोगों के नाम सेम हो गए ना, एक गणेश गायतोंडे और दूसरे का गणेशा गायतोंडे, तो कहीं उसकी वजह से मेरे को जो एडमिन है वो सजा वजा ना दे दे कुछ। चलो देखते हैं, देखा जाएगा। अभी तो खैर मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ और अभी अपने पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे एक जॉब, और जॉब का मैंने सोचा, देखो सबसे पहले ज्यादातर लोग जो सजेस्ट करते हैं इंटरनेट पे वो करते हैं इलेक्ट्रीशियन की जॉब। एंड आई हेट इलेक्ट्रीशियन जॉब, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है वो पैटर्न्स मैच करने में, मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं जा रहा हूँ फार्मिंग जॉब करने की, उसमें हम एक घंटे में $30,000-$40,000 भी कमा सकते हैं। तो मैं इससे इंटरेक्ट करता हूँ। आई वॉन्ट टू रेंट अ स्कूटर, एंड मेरे को ये स्कूटर मिल गया। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है, कि जो स्कूटर है ना उसे चलाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एंड वो हमें रेंट पे मिल जाता है इसे फ्री में। फार्मिंग जॉब करने के लिए मैं जाऊंगा अहमदाबाद के माय जॉब के सेक्शन में। एंड फार्मर वैसे तो अभी लो दे रहा है सैलरी, पॉटर ज्यादा दे रहा है, लंबर जैक ज्यादा दे रहा है। पॉटर के लिए आपको क्या कि हमें पिकेक्स खरीदनी पड़ती है जो कि $2,500 की आती है, एंड उतने पैसे हमारे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। फार्मर में पता है क्या फायदा होता है, कि हमें सीड्स मिल जाते हैं, तो अगर सीड्स मिल गए तो वैसे ही अपने मजे मजे हैं, सीड्स को हम बेच सकते हैं। तो मैं रूट टू फार्म 1 कर रहा हूँ, एंड हम लोग चलते हैं फार्मर जॉब करने। काफी लोग मेरे से कहते हैं कि भाई ये रोड खाली खाली क्यों रहती है, इसमें बहुत सारी जॉब्स होती है जिसमें आपको टैक्सी चला रहे हो, जिसमें फीडिंग कर रहे हो, बहुत सी रेसेस होती हैं। इन सब में बेसिकली एनपीसीज जो है वो बाधा ना डाले। इस सर्वर में इतने सारे नए इंटीरियर्स हैं, नए टाइप की बिल्डिंग्स हैं, इतना ज्यादा लोड हो जाता है, तो इसलिए वो उनसे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। भाई यहाँ पे जगह जगह आग लगी रहती है, बताओ। कभी कभी तो यहाँ पे लैंडफिल हो जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, रोड ब्लॉक खत्म। राज ना हो वैसे हमारे पास भीड़े का स्कूटर है। अच्छा व्हीली भी हो सकती है इसमें। एंड आई हैव फाइनली अराइव्ड एट द फार्म। फार्म की जॉब स्टार्ट करने से पहले कि आपके लिए इसको चाहिए होती है level 1, एंड मतलब जैसे ही आप सर्वर में घुसते हो तो आपका level 1 होता है एंड आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे गणेशा गायतोंडे लिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा रहे हैं, यानी कि मेरा level 1 है और मैं ईजिली इस जॉब को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ भाई येल्लो मार्कर में एंड गेट एम्प्लॉयड। यस, सो मेरा आउटफिट पूरा चेंज हो गया, देख रहे हो। बेसिकली मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टैंकर के ऊपर चढ़ना है एंड उसके बाद यहाँ पे जाके ये ऑटोमेटिकली पानी भर लेगा अपनी इस पोटली में। पोटली नहीं है ये, बेसिकली शावरिंग कैन बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता यार, ठीक है इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे है, चलो मैं एक बार यहाँ पे जाके देखता हूँ अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा क्या। लेकिन ये सो रहा है शायद, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि मैं $2-3 ज़्यादा कमा पाऊंगा हर वाटरिंग पे। कोई बात नहीं, बेसिकली काम शुरू करते हैं, बीच में रास्ते में ही मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हम लोग जाएंगे उस येलो मार्क पे, वहाँ पे जाके हम लोग बस खड़े हो जाने हैं एंड ये अपने आप पानी डाल देगा, ठीक है। देखो ये अपने आप पानी डाल रहा है, मैंने कोई की प्रेस करके नहीं रखी, कुछ नहीं किया, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा आसान लगता है। ऐसे कर करके हमें 500 बेड्स में पानी डालना है। एक बार वाटर भरने के बाद ये कम से कम 20 बार पानी डाल देता है। 500 बेड्स का मतलब ये हो गया 25 बार पानी भरना पड़ेगा। और बस यहाँ पे भी मेरे को कुछ नहीं करना, बस मेरे को यहाँ पे जाके खड़े होना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आधा पौना घंटा लग सकता है। सो अभी मैं इसको खेलता हूँ।
एंड तुम साइड में देख ही सकते हो कि पैसे भी बढ़ रहे हैं। और अभी मेरे को मिल गया मेरा पहला सीड जो कि है मैंडरिन सीड। फ्रेंड सीड्स को मैं जाके सेल कर सकता हूँ, इन्वेंट्री में दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये है वो मैंडरिन सीड। बेसिकली एक सीड जो है वो $1,000 $1,500 $2,000 में बिक जाता है। फाइनली मतलब 500 में से सिर्फ दो बचे हैं, सिर्फ दो बार पानी और देना है हमें और बस फिर हमारा level 1 कम्प्लीट हो जाएगा इसका। और आप सोच रहे हो कि $12 क्यों मिलते हैं, पहले तो $8 मिल रहे थे। वो इसलिए ऐसा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था बीच में एंड जिसकी वजह से $4 अब एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हर बार। एंड फाइनली वी आर अप 1 स्केल, मतलब हमने एक स्केल जो है कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम चाहें तो ट्रैक्टर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने कमाया कितना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और लीव करता हूँ, एंड लीव करके आप देख सकते हो कि मैंने इसमें काम करने पर 5,356 डॉलर कमाए हैं। अब देखो वैसे ये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, इसकी जो मेन कमाई है ना वो होती है इन सीड्स की वजह से। सीड्स मेरे पास 8 मैंडरिन सीड्स हैं, 3 कैबेज सीड्स, 5 पम्पकिन, 4 पाइनएप्पल, टोटल कितने हो गए, टोटल 20 सीड्स हो गए हैं मेरे पास। एंड इन्हीं सीड्स को मैं सेल करके मतलब खूब सारे पैसे कमा सकता। लेकिन मेरे को एक चीज़ अभी याद आई थी और वो ये है कि भाई पहले सिम कार्ड भी तो होना चाहिए। सिम कार्ड तो लिया ही नहीं यार, होगा तभी मैं कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा लोगों से इसको बेचने के लिए। कैन यू लीव मी एट 24/7 स्टोर? तो गाइस मेरे को एक बंदा मिल गया एंड ये मेरे को 24/7 स्टोर छोड़ देगा कह रहा है। तो बेसिकली हमारा टैक्सी का जो है वो खर्चा बच गया, ये बंदा हमें छोड़ देगा। थैंक यू सो मच। ओके चलो भाई ने छोड़ दिया। और 5G सामान दिखाओ, 5G सामान और 250 का ही है। वाओ ये भी सस्ता है यार, ठीक है ये वाला स्टोर भी सस्ता है, मैं याद रखूंगा। इसमें मैं ऑब्वियसली अपना रियल नंबर तो डालूंगा नहीं, बट ठीक है कुछ भी डाल सकते हैं। 6 हो गई ना डिजिट्स, नेक्स्ट। यप एंड वी हैव फाइनली बॉट द सिम कार्ड। अब एटलीस्ट हम लोगों से कॉन्टैक्ट वगैरह कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे सीड्स बेचने के लिए। तो अब मैं एक बार इन्वेंटरी में जाता हूँ एंड अपने सिम कार्ड को करता हूँ यूज फोन में। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है एक ऐड डालना ताकि हम ये सीड्स को बेच सकें। सो प्राइस $2,000, व्हाट यार, पहले तो $1,000 लगते थे, 2000 ले रहा है, महंगा हो गया भाई, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, सही बताऊं। चलो ऐड तो डालना ही पड़ेगा। बेसिकली ऐड ऐसा डालना है कि भाई पहली बार में बिक जाए, बार बार ऐड डालेंगे ना तो खर्चा ज़्यादा आएगा। 20 सीड्स प्राइस 1500 ईच। ओके हमारा ऐड जो है वो सबमिट हो चुका है, ऐड हैज बीन वेरीफाइड एंड पब्लिश भी हो चुका है, सामने आ गया। बस अब भाई जल्दी से किसी का मैसेज आ जाए खरीदने के लिए। मैसेज आया, दो मैसेज आया, आई विल बाय देम ऑल। भाई साहब मैसेज पे मैसेज। मैंने सस्ते में बेच दिया, मुझे लग रहा है 1500 ज्यादा ही सस्ता हो गया। सॉरी प्राइस हैज बीन इंक्रीज टू 1700। अरे यार बैलेंस डलवा यार, क्या भाई, अरे भाई ठीक है फिर, पेमेंट ऑफ मोबाइल फोन $1,000। यप एंड नाउ वी आई हैव डिस्चार्ज्ड माय सिम। सॉरी द प्राइस हैज बीन इंक्रीज टू 1700। देर आर सो मेनी ऑर्डर्स, देर इज अ गाय हु इज ऑफरिंग लाइक 1650 इफ यू वॉन्ट लाइक इन 1700 आई कैन सेल यू राइट नाउ। ओके सो मे बी लाइक ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, 1500 में बेच देता हूँ, आई विल बाय दैम ऑल्डर को। इसको मैंने लोकेशन भेज दिया है। चलो भाई ये कह तो रहा है कि मैं आ रहा हूँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे वाले को मैसेज डालूँ या नहीं डालूँ। चलो लोकेशन तो भेज ही देता हूँ। ओ ये सीड्स, हाय, सो आर यू हेयर टू बाय सीड्स? ओके सो इट्स 1500 ईच। ये बंदा कह रहा है कि मेरे साथ बैंक चलो, पैसे निकालूंगा तब दूंगा। अब दिक्कत देगी, मैंने और उससे कह दिया कि भाई तुम आ जाओ मेरी लोकेशन पे, तो देखने वाली बात है कि कहीं हमारा काटे ना। ये कह रहे पलेटो बैंक चलो, बट ये यहाँ के एटीएम से भी तो पैसा निकाल सकता था, खाटे ना बस। लेकिन हाँ ये तो पता लग गया भाई 1500 में तो मैं शायद कम ही बेच रहा हूँ, अगली बार से 16-17 डालूंगा, 17 या 18। बस ये था कि मेरे को जल्दी से बेचना था, तो मैं यहाँ पे जो है अपने सारे सीट्स डाल दूंगा कि भाई मैं ये सामान जो है बेच रहा हूँ। प्लीज एंटर द प्रपोज अमाउंट। ओके आई विल कन्फर्म द एक्सचेंज, यस थैंक यू। कैन यू प्लीज लीव मी इन लॉस सैंटोस?
इफ यू आर गोइंग देयर। सो मैंने इससे कहा कि भाई मेरे को जो है लॉस एंटोस छोड़ दे, और हमारे जो डील है वो हो चुके हैं, $30,000 हमने कमा लिए हैं, और एक बार जितने भी मैसेज आए थे मैं सबको लिख देता हूँ भाई, सोल्ड सोल्ड सोल्ड, मैसेज काफी आ गए थे यार, मैं सस्ते में बेच दिए, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा भाई, कम से कम 1700, 1800, 2000 इतने में ही बेचूंगा। तो चलो तुमने देख लिया यार, हमने मतलब इस बिजनेस से टोटल कितना कमा लिया, $5,000 के करीब कमाए थे वहां से, एंड फिर उसके बाद $30,000 का हमने बेचे सीट्स, तो लगभग हो गए $35,000, $4,000 के हमने ऐड डाले इसकी चक्कर में, तो $31,000। सो इसका मतलब ये हो गया कि भाई टोटल हमारा नेट जो प्रॉफिट हुआ इसमें $31,000 हुआ पर आर का, एंड इसको बढ़ाया जा सकता था अगर मैं इसको महंगे में बेचता सीट्स को, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता मेरे को। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस आज ले ही लेता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए जाना पड़ेगा लॉस सैंटोस, और लॉस सैंटोस जाना है तो भाई टैक्सी करनी पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है, फिर मैं टैक्सी बुलाता हूँ। मच लेटर एंड हियर वी आर एट द लाइसेंसिंग सेंटर। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं इस बुड़बक के पास। ओ भाई साहब, आराम से मुन्ना आराम से। हे रिचल, आई वांट टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, $500 इसकी कॉस्ट है, एंड ये मेरे को गाड़ी मिली है। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मेरे को एक यहाँ पे स्पीड लिमिट सेट करनी है 90 किलोमीटर पर आवर की, क्योंकि जब हम ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो तो हमारी स्पीड जो है वो किसी भी हालत में 100 टच नहीं करनी चाहिए। और अभी मेरे को बस इसकी एक छोटी सी रेस टाइप भी क्या है, चेक पॉइंट्स हैं जिनको पूरा करना है, एंड यहाँ पे जाऊँगा मैं तो मेरे जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस मेरे को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे और लोग भी कर ही रहे हैं, एंड हमारा जो टेस्ट है बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई, हम वापस आ गए हैं पूरा राउंड लगा के, एंड हमें मिलता है ड्राइवर्स लाइसेंस। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सो ड्राइवर्स लाइसेंस ये रहा हमारा, इसकी वैलिडिटी देख सकते हो भाई, सिर्फ 30 डेज है, यानी कि 30 डेज के बाद या तो दोबारा से टेस्ट दो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीका होता है ब्लैक मार्केट में हम जाके लीगल लाइसेंस भी ले सकते हैं, वो भी सही चलता है, बस वो महंगा आता है, तो तब तक तुम्हारे पास पैसे ही होंगे तो कोई सीन नहीं है। तुम देख ही सकते हो भाई, पहले दिन जो है हम आए हैं हमने लगभग $500 से $25,000 कमा लिए हैं, और उसके अलावा हमने ड्राइवर्स लाइसेंस भी ले लिया है, हमने काफी प्रोग्रेस कर लिया देखा जाए तो। अगले एपिसोड में मैं काफी सारी चीजें खरीदने वाला हूं, थोड़े से पैसे कमा के रखूंगा, मैं घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो इसलिए यार उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, ग्रैंड आरपी की पूरी सीरीज चल रही है, साथ साथ मैं दूसरे गेम्स भी खेल रहा हूँ इस चैनल पे, चाहे बोलियो या कुछ, और अगर आपको मेरे साथ इस सर्वर में खेलना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ पे जाओ रजिस्टर करो, बिल्कुल फ्री है। तो खैर यही था यार इस वीडियो में, आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।